फरीदाबाद के निकिता तोमर हत्याकांड में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने इस मामले में तौसीफ रेहान को दोषी करार दिया था। निकिता हत्याकांड पर आए फैसले के बाद अनिल विज ने कहा कि फैसले का अध्ययन करें, आरोपियों को फांसी की सजा दिलवाने के लिए उच्च अदालत में की जाएगी अपील। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ करीब 4 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन जारी। भारतीय किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने कई जगहों पर जाम लगाकर विरोध जताया। संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा भारत बंद के आह्वान पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि मुझे इस आंदोलन का कोई औचित्य नहीं दिखता। आंदोलन और विरोध तब होता है जब कोई चीज छीन ली गई हो, यहां तो दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गृह मंत्रालय का राज्यों को निर्देश, आने वाले त्योहारों को देखते हुए सभी राज्य कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें। देश में 24 घंटे में करीब 60,000 नए केस, 257 मरीजों की मौत, 32,000 से ज्यादा मरीज रिकवर, टोटल केस का आंकड़ा 1,18,00,000 के पार। हरियाणा में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा, 24 घंटे में 1,053 नए केस, 7 लोगों की मौत। गुरुग्राम में भी कोरोना के मामले में लगातार इजाफा, एक दिन में 269 नए केस, इसके अलावा एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हुई। महाराष्ट्र के मुंबई में सनराइज अस्पताल में लगी आग, 10 लोगों की मौत, घटना भांडपू इलाके की है। पंजाब के रोपड़ जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को 2 हफ्ते में उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट किया जाएगा। मुख्तार अंसारी के मुकदमे उसकी कस्टडी ट्रांसफर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला।